मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बजा है अभी दिन का 10:30 और अब बस आई एम वेटिंग फॉर माई फर्स्ट टी ऑफ द डे। और बाहर जो है ना, बाहर फिर से मौसम वैसा हो गया है, मतलब वैसा, मतलब रात से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो वही है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग गए थे ना, ऐसा कितना मतलब ढूंढते अच्छा छोड़ते, फाइनली जाके कल के कैनवस मिल गया था। तो आज से कैनवस की पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझसे जितना, मतलब पूरा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि कब कब कितना कितना क्या क्या होता है, तो बट जितना भी होगा आई विल ट्राई, मतलब आई विल मेक श्योर एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या पेंट कर रहा हूँ, कैसे पेंट कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा साथ में, बट उसके पहले चाय तो पी लें, क्योंकि बिना चाय के तो मेरा ये काम ही नहीं करेगा ना। तो लेट्स हैव सम टी, सम नहीं मतलब बहुत सारी टी, बहुत सारी भी नहीं मतलब 1 कप टी, एंड देन उसके बाद विल सिट विद द पेंटिंग। सो बने रहिए साथ में। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, अपना जब भी हम कोई भी आर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो साइड में बॉर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि जब फ्रेमिंग वगैरह कराओ ना, तो अगर कुछ आप बना रहे हो तो फिर वो दब जाता है। तो मतलब इसलिए थोड़ा बॉर्डर छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ बॉर्डर छोड़ते हैं और मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट जो हो ना वो बीच में हो। तो जैसे इसमें अपन को शिव जी का हाथ बनाना है और इसका साइज भी छोटा है, और जैसे कि मुझे इसमें मतलब कोई बॉर्डर में डिज़ाइन भी नहीं देनी है, तो अपन इसलिए इसमें बॉर्डर नहीं छोड़ रहे हैं, वरना बॉर्डर छोड़ना होता है। तो चलिए स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अभी फाइनली इसका जो है कि स्केच बन के तैयार हो गया है, रफ स्केच बन के तैयार हो गया है। क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ी डार्क स्केचिंग की है, वरना क्योंकि कैनवस वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे जो ना स्केच जो करते हैं ना, तो बहुत लाइट हाथ से और बहुत ही हल्की पेंसिल चलाते हैं, तो बहुत हल्की चलाता ना तो वो ठीक से दिखता नहीं आप लोगों को, तो इसलिए। और फिर इसमें ना, क्योंकि मुझे बॉर्डर में थोड़े डार्क कलर्स ही यूज़ करने हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे जैसे गंदा वंदा भी थोड़ा हो जा रहा है तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है, और वो डार्क कलर हो जाएगा तो सारी जो इसकी गंदगी है, जितना भी पेंसिल की शेडिंग का ये सब जो बाहर निकला है, ये सब उसमें छिप जाएगा। गाइस पेंटिंग के साथ साथ हो रही है अपनी कॉफ़ी, और इस बार कॉफ़ी है, चाय नहीं है इसमें। और तो भी जितनी बन पाई है, ये है पेंटिंग, ये है इसका थोड़ा सा जितना भी बन पाया है, इसका ये लुक है। और तो बाकी फिर अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सो गाइस ये पेंटिंग वगैरह शूट करने में ना, ये जो मेरा ने मुझे ट्राईपॉड गिफ्ट किया ना, मुझे बहुत काम आ रहा है। और अभी हाँ, ये थोड़ा सा अभी अटपटा सा अजीब सा लग रहा है, बट जब ये पूरी फिनिश हो जाएगी ना, प्रॉपर हाथ में शेडिंग, प्रॉपर ये सारी आउटलाइनिंग्स, और प्रॉपर अभी अंदर भी ये सब जो है हो जाएगा, ये हाथ वाथ बन जाएंगे, ये बहुत 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 खूबसूरत लगने वाला है। जैसे मैंने पहले वो एक बना के भेजा था, ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। आई होप कि मतलब अच्छा बने, मैं एक अच्छी चीज़ डिलीवर करूँ किसी को। कभी भी आप जब आर्ट बनाओ ना, तो पहले आप जो उसका जो बैकग्राउंड होता है, ये इसको पहले करो। इसलिए मैंने ये पहले कर लिया है, वरना पता क्या होता है, पहले मैं मान लो इसको बना लूँ, फिर उसके बाद जब मैं ये करूँगा ना, तो ये सब फिर अंदर अंदर जाएगा, घुसेगा, तो फिर वो जो है ख़राब करेगा। और क्योंकि इसमें शेडिंग होनी है प्रॉपरली हाथ माथ में, तो फिर वो एक बार जो शेडिंग अच्छी अच्छी खराब, मतलब एक बार जब शेडिंग हो जाती है ना, फिर वो दोबारा करने में बड़ी मुश्किल आती है अगर ख़राब हो जाए तो इसलिए मैंने पहले ये करा, उसके बाद अब मैं ये कर रहा हूँ। और गाइस इसका ये जो मतलब ये जो गोला है ना, गोला, आई मीन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ एज इन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हो गया। पता है एक्रेलिक कलर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कितनी भी गलती कर लो, आप उसको ठीक कर सकते हो। अब जैसे ये कलर है ना, इसके ऊपर मैं कोई भी कलर चढ़ा सकता हूँ, वो कलर नीचे का कलर उस कलर से मिक्स नहीं होगा, ये कलर एकदम बिल्कुल सूख चुका है, इस पर अगर आप पानी डालोगे तो भी ये नहीं छूटेगा। तो एक्रेलिक कलर्स की एक सबसे अच्छी बात होती है, तो जैसे कुछ गलत हो जाए ना, आप जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गोला मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा सा हो गया है, अब मैं इसके ऊपर ऑरेंज से कर दूंगा ना, तो ब्राउन नहीं छूटेगा, मतलब ऑरेंज में मिक्स नहीं होगा और गंदा नहीं होगा, और वो बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल हूबहू ऐसा हो जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी बात होती है एक्रेलिक कलर्स की। गाइस सुबह गया शाम का 4:30 और मैं जा रहा हूँ जरा सिम इम्पोर्ट कराने। हाँ वो एक्चुअली एक सिम है जो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है बार बार, जो कस्टमर केयर में बहुत बार कंप्लेन करी है, बट
हो नहीं रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं उसको जो है इम्पोर्ट करा के दूसरे कंपनी में करा लूँ तो बेटर रहेगा। तो अभी अपन जा रहे हैं सिम इम्पोर्ट कराने। तो या सी यू भैया। सिम इम्पोर्ट कराना है, सुशील फूफा से बात हुई होगी कल, उनकी हसन की हुई थी। सो गाइस, पोर्टिंग वाला काम तो हो गया, तो अब चलते हैं। चलो भाभी हेलो बोल दो। हेलो। तो भाभी देख रही है बिग बॉस टहल टहल के, और फाइनली आज आ गया है माली, तो अब चलें। एक एक डेढ़ महीने बाद आया, तो चलें जरा अपने पौधे बचा लें चल के। तो भैया ये है ना, ये देख रहे हो, ये सब जो है, ये देखो, ये सब पत्ते इसके झड़े जा रहे हैं, हैं? ये देखो गुलाब के, ये पूरी यहाँ से पत्तियां झड़ गई है ना। वो एक पेड़ पूरा ही सूख गया, और हाँ बस यही सब। और जैसे ये है, बढ़ नहीं रहा है गुलाब, इतना ही है। मिट्टी खाली है, तो इनका गमले पलट के, मिट्टी नहीं खाद मिली है इसमें, इनका पानी नहीं निकल पा रहा होगा। तो जो भी है सब सही कर देना, जितने भी गमले हैं जो सही हो जाएं, और एक इसमें नया लगा देना, बाकी गमले हम ले आएंगे तो और लगा देना। ले आए, पौधे के और ये वाला जो है ना, ये बोलते कनेर, ये इससे बाल्टी से निकाल के ये नीचे गेट के पास बाहर लगना, ठीक है? तो क्योंकि ये इसलिए यहाँ लगा दिया था गैया ये सब बचाने के लिए। और ये गुड़हल तो लग नहीं पाएगा बाहर, लग जाएगा। ये गैया नहीं खा जाएगी? नहीं, गैया नहीं खाती, जानवर नहीं खाते गुड़हल। तो फिर ये गुड़हल भी बाहर है, एक हमारा गमले में वो लगा है सामने, एक हमारा ये बाहर लगा देना। सो गाइस फाइनली अब माली आ गया है, तो फाइनली अब मेरे पेड़ जो हैं ठीक हो जाएंगे, उनकी कंडीशन भी ठीक हो जाएंगी, और कुछ नए पेड़ भी लगाएंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये लोग आज 4-5 दिन बाद आई हैं, तो जरा हेलो बोलो। रुको रुको रुको, बुआ हेलो बोल दो। और तुम लोगों के मुंह में दही जमा क्या? हेलो तो बोलो, आवाज तो आई। ये लड़की मेकअप कर रही ब्लॉग में आने के लिए, पिंक नहीं हुई अभी, भूत बन के आई थी। और ये घूंगी, एक क्यों हेलो बोलना नहीं आता है? कहाँ थी 4-5 दिन से? और वर्क फ्रॉम होम कहाँ कर रही है? क्या है मेकअप करके तबीयत खराब है? नहीं मैं ऐसी हूँ, ऐसी नहीं हूँ। कह रही है कि थोड़ा सा दूध हमको दे देना, तो सुबह चाय बना लेंगे, क्योंकि मेरा 4 किलो दूध यही है उतर गया। तो तुम्हारा दूध यहाँ क्यों आया ये भी बता दो। इसलिए आ गया कि हम अपने गांव गए थे, भाभी के यहाँ दूध वाला दूध दे गया, अब मेरा छोटू और मेरी बहुरिया मेरा दूध नहीं वापस कर रही है। हम लोग पैसे दे देंगे, अब दूध कहाँ से दें? पूरे कहा दिए जा रहे पैसे, इसलिए थोड़ा सा चाय वर का दूध ले जाएगा, बाकी इन लोगों को पीने के लिए क्या रिपीट करो कर कर आप हम लोगों की संपत्ति। अब बेटा तुम्हारा भाई नहीं है, तो हम ही तुम्हारे भाई हैं, तो हम ही तुम्हारी संपत्ति लेंगे। नहीं, भाई संपत्ति संपत्ति। क्या भाई संपत्ति का संपत्ति नहीं। अरे संपत्ति, अभी वो एक दिन वो बोल चुकी है वो करोड़पति है, तो 2-4 लाख इधर भी दे देना। हम तो 2-4 लाख तो दे देंगे। 2-4 लाख में जीरो लगा देना जरा, बस 2-4 लाख भी नहीं मिलेगा, की संपत्ति है। नहीं दुकान ब्रेड लेने, या फिर ब्रेड या बन कुछ मिल जाए गाय को खिलाने के लिए। रीजन बीइंग एक्चुअली आजकल वो पितृपक्ष चल रहा है ना, तो पितृपक्ष में मतलब खिलाते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो हम अपना रोज शाम को कुछ या बन लेके, या ब्रेड लेके, या जीरे का पैकेट लेके, या कुछ भी ऐसी चीज लेके जो गाय वाय को खिलाया जा सके, तो फिर हम वो खिला देते हैं लेके। तो गाय की सेवा करनी चाहिए, अब सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है रोज कुछ 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 खिला देते हैं। और रात को तो आप देखते ही हो, अगर राशन तो देते ही हैं। तो भाई अभी हम जा रहे थे दुकान, ये वहाँ से एक बन का पैकेट लेंगे, और रास्ते में जो भी गैया गाय वाय दिखेंगी या जो भी दिखेगा, तो उसको खिलाते हुए आएंगे। गाइज वैसे आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे घर में गैया पली हुई है। एक्चुअली मेरे यहाँ वाले घर में नहीं पली है, मेरे जो पुराना घर है दर्शनपुरवा में, वहाँ पे गैया पली हुई है, और उसका नाम है नंदिनी। तो किसी दिन मिलवाएंगे आपको उससे। तो गाइज ये आगे दुकान ले लेते हैं, एक बंद का पैकेट दे दो हीरो, एक बंद का पैकेट दे दो, और एक माचिस दे दो।
गाइस वो देखो गैया आ रही है, आ जा ले ले ले, आराम से दौड़ो नहीं, दौड़ो नहीं भैया, आराम से आराम से आराम से। बेटा आप लोग जा रही हैं तो बाय कौन करेगा? मेरे मेरे व्यूवर्स को भी बोलो बाय बाय। आप कब आओगी? एक दो दिन में। सो गाइस अब मैं मिल रहा हूँ आपसे सीधे रात को, तो खाना वाना ऑल डन, टहलना मिलना सब हो गया है, तो बस अपन आए हैं बेड पे। तो सोचा कि चलो, सोचा क्या मतलब, अब तो ब्लॉग समअप करना ही है ना, तो अब ब्लॉग समअप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रात में 2-2:30 बजे उठ के नींद से ब्लॉग समअप करेंगे क्या? तो चलो फिर। तो अगर आपको मेरा आज का कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज सिद्धार्थ तिवारी ब्लॉग्स, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो, उसको उसको यूट्यूब के एल्गोरिथम में लाओ गाइस। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय। और गाइस आयुष ही ना अपने ब्लॉग में मनी प्लांट दिखाती रहती है, हम भी किसी से कम नहीं। आयुष देखो मेरे घर में भी लगा है मनी प्लांट, ये देखो, और ये ऊपर ऊपर तक चला गया है, और ये आया जा रहा है, और ये काफी दिनों से लगा हुआ है।